अमेठी उत्तर प्रदेश। कोरोना वायरस के चलते जहां देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं समाज सेवी लोग गरीबों में मास्क, सैनिटाइजर व खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। वहीं पर अमेठी जिले में कई कोटेदारों द्वारा सरकारी राशन को सुचारू रूप से न वितरण करने के लिए कई कोटेदारों के ऊपर कार्यवाही हुई है। तो वहीं एक कोटेदार ऐसे भी है जिनकी नज़र अपनी ग्राम सभा में रह रहे कुछ गरीब वनवासी पर पड़ी, जिन्हें खाने का एक टाइम का ठिकाना नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने उनके इस परेशानी में उनको फ्री राशन देने का कार्य किया। अमेठी जिले के ब्लॉक संग्रामपुर के ग्राम सभा नेवादा कनू का है, जहां के कोटेदार द्वारिका प्रसाद वर्मा अपने ग्राम सभा में 15 अप्रैल 2020 से फ्री चावल बांट रहे हैं और उनकी नज़र एक एक गरीब को राशन देने पर लगी हुई है। इसी बीच उनकी नज़र ग्राम सभा में रह रहे अत्यंत गरीब वनवासी राजेंद्र वनवासी, छबिला वनवासी, रवि वनवासी, किशन वनवासी पर पड़ी। तो उनको पता है कि न तो इनके पास घर है, न इनके पास जमीन है, न इनके पास खाने की कोई व्यवस्था है, क्योंकि ये वनवासी लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। कोटेदार द्वारिका प्रसाद वर्मा दवा अपने पुत्र सुरेश कुमार द्वारा बुलवा कर चावल, चीनी, आलू, साबुन, मसाला, तेल देकर कहा कि अगर आप लोगों को खाने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे पास दोबारा भी आकर हमसे मदद पा सकते हैं। गरीब मजदूरों ने कोटेदार के इस कार्य की जमकर सराहना की और उन्हें दुआएं। और किस ग्राम सभा के आप कोटेदार हैं? मेरा नाम है द्वारिका प्रसाद वर्मा और मैं ग्राम पंचायत नेवादा कनू का कोटेदार हूँ। आज आपने किन लोगों को राशन के साथ राहत सामग्री दी? राहत सामग्री दिया तो राजेंद्र को और को रविंदर, छबीला, रवि, इन लोगों को सामान दिया, खाने पीने का, गरीब आदमी है सब, उनको चावल और चीनी, आलू सामग्री पूरा दिया। ये हमारे गांव के अत्यंत गरीब आदमी हैं, इनके पास जमीन जगह कुछ है नहीं है, न रहने का स्थान है, इनको मांगते हैं और इसलिए इनको दान में दे दिया।